बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके, अच्छा, होप कि आप लोगों ने जो कल मैंने टास्क दिए थे उस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। और आपने जो अपना डाटा सेट है उसके मुताबिक भी आपने एनालिसिस स्टार्ट कर ली होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मैप बनाना सीखेंगे कि आर को यूज़ करके आप किसी कंट्री का, किसी एरिया का मैप जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसका मैप जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी आर के ऊपर जो आपने मैप क्रिएट करना है, स्टडी एरिया मैप, वो कैसे बनाना है। ठीक है, वैसे तो आप लोग GIS या कोई और टूल यूज़ करके बनाते होंगे, लेकिन अगर आपने जस्ट आर सीखा है और आप चाह रहे हैं कि मैं आर में ही एक्सपर्ट हूँ, हर तरह के एनालिसिस में आप आर में कर सकूँ, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं तो उस सिटी का मैप आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया कि जब भी कोई आपको टास्क अलाट हो कि आज हमने ये एनालिसिस करना है, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, कोई पार्टिसिपेंट बताएगा मुझे। इन इसके पैकेज कौन सा यूज होगा? तभी तो मैंने आपको बताया कि हम मैप बनाने जा रहे हैं आज, तो मैप के लिए पैकेज कौन सा यूज होगा? मैप के लिए दो पैकेज यूज होंगे या तीन यूज होंगे? एक है ggplot, plot2। ये सॉरी, मेरे पास ये एरर दे रहा है, मुझे एक दफा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप जब तक ये पैकेज इंस्टॉल करने, मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। एक आपने SF पैकेज इंस्टॉल करना है, दूसरा है ggplot2, ये आपके पास ऑलरेडी है, और तीसरा है ग्रिड एक्स्ट्रा। ठीक है, ये तीनों पैकेजेस मैं इनके नाम शेयर कर देता हूँ आपको। एक SF है, इनमें से ggplot2 आपके पास होगा। मैंने ये ग्रुप चैट में सेंड कर दिए, काइंडली ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लें, मैं इसको जब तक जो है ना वो रिस्टार्ट कर लूँ।
काइंडली ऐसा पैकेज पहले इंस्टॉल कर लें। ग्रिड एक्स्ट्रा की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमें नेक्स्ट क्लास में ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप लोग SF इंस्टॉल करें और चैट में डन टाइप कर दें। SF में भी कुछ लोगों के पास ये मसला करें, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे इंटरनेट का इशू है, स्लो है इंटरनेट, वहाँ पे में भी इशू करें। ओके, आपके पास डन हो चुके हैं ये डॉक्टर आसिम साहब के पास। ओके, होप के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास से डन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, दो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं अभी, बल्कि तीन किए हैं। एक है SF, दूसरा है ggplot2। इनमें से ggplot2 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, SF लाइब्रेरी नहीं हो रहा। काइंडली मैडम आर्या, मुझे इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा या एरर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। जो एरर शो हो रहा है उसको कॉपी करें और चैट में पेस्ट कर दें। अब SF हमने क्यों इंस्टॉल किया? एक्चुअली अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वो हम एक्सेल की फाइल के ऊपर कर रहे थे। जो डाटा सेट था हमारे पास वो एक्सेल की फाइल में था, लेकिन जो जियोग्राफी का डाटा होता है, मैप का डाटा होता है, वो डाटा सेट आपके पास शेप फाइल में होता है। स्पेशली वो लोग जो इकोलॉजी से रिलेटेड हैं या जिन्होंने मैप वगैरह बनाया है कभी या सुना है GIS को यूज़ करके या देखा हुआ है कभी, तो उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे SHP फाइल्स, SHP एक्सटेंशन वाली फाइल यूज़ होती हैं। जैसे MS वर्ड वाली है, PPT वाली है, PDF वाली है, डिफरेंट फॉर्मेट के है ना, एक्सेल की फाइल है। इसी तरह शेप फाइल भी एक फॉर्मेट है, SHP। तो SHP फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए हम SF पैकेज यूज़ करते हैं। जिस तरह एक्सेल की फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए हमने रीड एक्सेल पैकेज यूज़ किया था, इसी तरह SF पैकेज मैडम आपके पास पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, आप पहले पैकेज को इंस्टॉल करें। यहाँ अगर अवेलेबल हैं तो स्क्रीन शेयर कर कीजिएगा, मैं अलो करता हूँ। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट्स को लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी SF और इसको रन करें। मेरे पास ये लाइब्रेरी हो चुके हैं, मैंने अलो किया। काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
अच्छा आपके पास वो कह रहा है जी पैकेज ऐसा फेल्ड, आपके पास ये पैकेज फेल हो चुका है, ये इंस्टॉल नहीं हुआ, आप इसको दोबारा इंस्टॉल करें, इंस्टॉल पे आए। ये अगर आपके पास इंटरनेट थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो ये इंस्टॉल होना रुक जाता है, ठीक है। आप इसको दोबारा आए इंस्टॉल पे, यहाँ पे चेक करें ऐसा है आपके पास, नहीं है ना, दोबारा इंस्टॉल के बटन पे आए SF। सर जमशेद साहब आपको भी जो है ना वो दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा ये। क्योंकि ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, बहुत से लोगों के पास इंस्टॉल हो चुके हैं, तो आपके पास भी ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा इस पर। इसको दोबारा ट्राई करें, ठीक है, एक दो बार ट्राई करें तो ये आपके पास डन हो जाएगी। या उस टाइम ट्राई करें जब आपके पास आपके एरिया में इंटरनेट स्पीड जो है वो अच्छी होती है। ये अगेन फेल हो चुका है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका ये है कि आप आर से भी इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं, एक दफ़ा आर से इंस्टॉल करने की कोशिश कर लें, अदरवाइज फिर आप इसको किसी और टाइम पे जो है ना वो इंस्टॉल कीजिएगा। हाँ ये लिंक भी सर ने शेयर किया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये लिंक से भी आप जो है डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे आए स्क्रीन नंबर 2 पे, स्क्रीन नंबर 2 पे आए, इसको स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा। बस यहाँ तक ये कॉपी करें, ये लिखा हुआ है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ये नीचे ये ब्लू कलर में, ये इसको कॉपी कर लें, ये सिर्फ यही लाइन इंस्टॉल डॉट पैकेजेस बस ऊपर, हाँ यहाँ तक कॉपी करें और डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे आए, यानी बाकी जिन पार्टिसिपेंट के पास इशू आ रहा है वो ये स्टेप फॉलो करें। अगर इस स्टेप से इशू रिजॉल्व ना हो तो फिर आप इसको किसी उस टाइम करें जब इंटरनेट स्पीड जो है वो अच्छी हो जाए, किसी और नेट को यूज़ कर लें, सिम को कनेक्ट कर लें, या सिम पे नहीं ऐसा चल रहा तो वाईफाई यूज़ कर लें, या डेस्कटॉप पे आए, यहाँ पे आर होगा आपके पास पड़ा हुआ, ये R4.3.2, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। अब ये कह रहे हैं जी आप कहाँ पे हो, चाइना में या पाकिस्तान में? हाँ कोई लोकेशन इसको सब बता दें यहाँ से ना, ये पूछ रहा है जी आप कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई भी बता दें, पाकिस्तान का ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा। आप इसको ये पाकिस्तान के नज़दीक चाइना ही है, चाइना उसको बता दें, या एशिया चेक कर लेंगे उसमें है। हाँ ओके, आप चेक कर लीजिएगा कि ये आपको एरर दे रहा है या आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं, बल्कि ये वर्क कर रहा है। ओके
ये आपके पास डाउनलोड हो रहा है, और जब तक ये डाउनलोड होते हैं हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लें, अगर फिर भी जो है ये ना हुआ तो आप इसको उसी वक्त कहीं परफॉर्म करें जब ये इंटरनेट की स्पीड आपके एरिया में बेहतर हो। जब ये डन हो जाए तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट जिनके पास जो है ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, उनके पास लाइब्रेरी भी हो चुका है, डाउनलोड भी हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं कि हमें जो है ना वो डाटा फाइल्स कहाँ से रिक्वायर्ड है। इसके लिए तो डाटा भी तो चाहिए ना, कोऑर्डिनेट्स का डाटा, ठीक है, वो डाटा हम कहाँ से लेंगे। तो गूगल पे आएँ और यहाँ पे आप टाइप करें, दीवा डैश GIS। यहाँ पे जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ से डाटा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का मैप का डाटा यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ कमियाँ हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ का आई होप के डाटा बेहतर है। तो हम यहाँ पे चाइना का मैप जो है वो क्रिएट करके देखते हैं, या किसी और कंट्री का हम देख लेते हैं। पाकिस्तान का मैप अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप वो किसी और वेबसाइट से, जो पाकिस्तान के जो है वो बाउंड्री वॉल्स क्लियर करें, जिस तरह ये पॉपुलेशन वालों का डाटा है, उसके बाद एनवायरनमेंट से भी मैं भी मिल जाता हूँ ये डाटा, या आपको जो जियो के डिपार्टमेंट हैं वहाँ से भी ये डाटा मिल जाता है, उनकी वेबसाइट पे भी होगा। तो इवन के जस्ट आप अगर जनरल गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको पाकिस्तान का किसी और वेबसाइट के ऊपर डाटा मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान का डाटा जो है वो अपडेटेड नहीं है मैप का, तो इसलिए आप अगर आपने पाकिस्तान का मैप क्रिएट करना है तो इस वेबसाइट से ना यूज़ कीजिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम चाइना का मैप बनाना चाह रहे हैं, मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, वेबसाइट का लिंक। आप ये वेबसाइट के लिंक पे भी आके इसको, अच्छा यहाँ पे जब इस पेज पे आपने आना है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो होगा कंट्री का, यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है चाइना जी, चाइना। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन होगा इनलैंड रोड, रेलवे रोड, हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, इस पर क्लिक करें और ओके का बटन प्रेस करें। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे ना तो आपके पास फाइल जो है वो डाउनलोड के लिए रेडी हो जाएगी, इस पर क्लिक करें तो आपके पास फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके मैडम मारिया के पास अगेन डाउनलोडिंग फेल हो चुकी है, तो आप ऐसा करें कि आप इसको जो है ना वो अभी थोड़ा सा ये जस्ट लेक्चर देख लें, और जब देखें कि नेट की स्पीड बेहतर है उस वक्त आप अगेन इसको ट्राई करें, या दिन को किसी वक्त आप ट्राई कर लें, या सुबह मॉर्निंग में ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सही, मेरे पास जो है ये पैकेज पूछ रहा है जो लोकेशन कहाँ पर सेव करनी है, मेरे पास ये ऑलरेडी ये चाइना मैप के नाम से एक फोल्डर है, मैं या मैप के नाम से है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास ये डाटा है, मैं इसको पहले डिलीट कर लूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। आप लोग भी जो है वो इस फाइल को सेव कर लें, डेस्कटॉप एक फोल्डर क्रिएट करें जिसका नाम रख लें मैप, ये देखें, ठीक है, मैप, और इसमें ये डाटा सेव कर लें, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, इसमें मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेरे पास जो है फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो काइंडली आप लोग भी जो है फाइल को डाउनलोड कर लें और चैट में डन टाइप कर लें। फाइल जब आपके पास डन हो जाए तो काइंडली डन टाइप कर दें।
इस स्टेप से आगे आपने वेबसाइट पे आना है एक, जिसका नाम है दीवा डैश GIS। इस वेबसाइट से आपने एक फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ देखें, मैं स्टार्ट में आ रहा हूँ। गूगल पे आप टाइप करेंगे दीवा डैश GIS, इसके बाद ये आपके पास ये फाइल ओपन होगी। देखें, डाउनलोड डाटा बाय कंट्री, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे शेप फाइल्स का डाटा है, बहुत सारी कंट्रीज का मैप का डाटा है। तो अगर आप पाकिस्तान का मैप बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट से बिल्कुल भी डाउनलोड ना कीजिएगा। अगर आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हो तो फिर ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से आपने चाइना सेलेक्ट करना है। चाइना सेलेक्ट करने के बाद ओके, ओके के बाद आपके पास डाउनलोड का बटन आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। जो फाइल है ना, उसको हमने लेके आना है स्क्रीन नंबर 3 पे। अगर यहाँ पे हम आके चेक करें तो यहाँ पे तो शेप फाइल्स का कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा। यहाँ पे जो है वो शेप फाइल्स का जो है वो कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने स्क्रिप्ट राइट करना है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। तो स्क्रिप्ट राइट करने से पहले हमने दोबारा मैप वाली फाइल पे आना है। मैप वाली फाइल पे ये देखें, ये आपके पास ये जिप फाइल है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। इस पर राइट क्लिक करें। ये आपसे कह रहा है जी, सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है जी एक्सट्रैक्ट करें इसको, एक्सट्रैक्ट हेयर क्लिक करें। आपके पास फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी। ये देखिए, यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने यहाँ पे ना SHP फाइल वाली एक्सटेंशन वाली फाइल डाउनलोड। मेरे पास यहाँ पे देखें, ये पहले ये है SHP एडमन 0.SHP। इस तरह ये है नेक्स्ट एडमन 1.SHP, एडमन 2.SHP और एडमन 3.SHP फाइल। यानी हमारे पास यहाँ पे तीन चार फाइल्स हैं SHP फॉर्मेट में, एडमन 0, एडमन 1, एडमन 2, एडमन 3। अब ये चार फाइलें हैं, एडमन 1 में क्या है, 0 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। एडमन 0 में जो है ना, ये कंट्री की बाउंड्री वॉल है, यानी कंट्री लेवल डाटा है, पूरी कंट्री की बाउंड्री वॉल है कि यहाँ यहाँ तक कंट्री फैली हुई है। एडमन 1 में प्रोविंसेस का डाटा है, यानी इसमें कितने प्रोविंस हैं और उसका जो वो ज्योग्राफी क्या है। 3 में डिविजन्स लेवल डाटा है, यानी डिवीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितनी डिवीजन्स हैं और कौन से डिवीजन्स कहाँ पे हैं। और जो एडमन 3 है, यहाँ पे सिटी लेवल डाटा है, यानी सिटीज़ के नेम हैं, सिटीज़ का डाटा है। तो अगर आप सिटी लेवल तक मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा डाटा है। ये स्टेप मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे फाइल सेव की है डेस्कटॉप के ऊपर, फाइल पे आना, यहाँ पे ये मैप के नाम से ठीक है फोल्डर है, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद तो इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। आपके पास जस्ट ये CHN और एडमन शो हो रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करें और इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट हेयर फाइल नहीं करना, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, तो उसी फोल्डर में ये फाइल एक्सट्रैक्ट होके आपके सामने शो हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे चार फाइल्स हैं, उसको आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, 0, 1, 2, 3। अब इन फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप आ जाएं आर पे, यहाँ पे आप टाइप करें रीड अंडरस्कोर SF, ये वाला ठीक है, रीड अंडरस्कोर SF।
ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ब्रैकेट्स में आपने लिखना है, सॉरी टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है पाथ। पाथ मीन यानी आपकी फाइल की लोकेशन या फाइल का एड्रेस, कि आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में कहाँ पड़ी हुई है। रीड अंडरस्कोर SF, आपके पास दो ब्रैकेट्स ओपन होगी, ब्रैकेट्स के अंदर आपने टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आपने आ जाना है फोल्डर पे। पहले हम इंपोर्ट करते हैं एडमन जीरो, ये SHP, इस फाइल पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने, जब ये सिलेक्ट हो जाए तो ये ऊपर जो बार है ना, ये वाली एड्रेस बार, इस पर क्लिक करना है। ये देखें, इसने आपको जो है ना वो एड्रेस दे दिया इस फाइल का, इसको कॉपी करना है। कॉपी कॉपी करने के बाद आर पे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक स्टेप कंप्लीट कर लें। और चैट में डन टाइप कर, अगर नई प्रोसेस समझ आया तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ओके, ये स्टेप डन हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और इस तरह की जो है ना, आपने स्लैश लगानी है, जिस तरह की ये पहले लगी हुई, इसी तरह की एक और स्लैश लगा दी। ठीक है, स्लैश लगाने के बाद आपने दोबारा फाइल पे आना है, इस फाइल को अब रीनेम करना है आपने। ठीक है, ये सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करें और ये रीनेम का ऑप्शन आएगा, इसको रीनेम कर लें। रीनेम करने के बाद आपने सारे नाम को कॉपी करना है, कॉपी, ठीक है, और इसको ले आना है आर पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, यानी मैप के बाद जो स्लैश लगाई थी ना, स्लैश के बाद आपने फाइल का नाम पेस्ट कर देना और जो स्पेस है इसके दरम्यान, इसको आपने ख़त्म कर देना। अब यहाँ पे सिंगल स्लैश है क्योंकि आर जो है, ये जब भी आपने आर पे वर्क करना है तो ये डबल स्लैश पे काम करती है। ठीक है, तो वन स्लैश के बजाय आपने यहाँ पर एड्रेस के लिए डबल स्लैश यूज़ करनी, तो जहाँ पे सिंगल स्लैश लगी है उसके साथ एक एक स्लैश ये और लगा देनी है आपने। ठीक है, और इसको रन करना है। मेरे पास ये देखें फाइल रन हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे पास स्क्रीन नंबर 1 पे ये नहीं शो हुई। तो स्क्रीन नंबर 1 पे शो कराने के लिए हम इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे, लेस देन माइनस, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं चाइना, और इसको रन। अब देखिए मेरे पास ये फाइल स्क्रीन नंबर 1 पे, सॉरी स्क्रीन नंबर 3 पे शो हो गई है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसको डाटा भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, यानी इसमें एक ऑब्जर्वेशन है और 71 जो है ये वेरिएबल्स हैं। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट परफॉर्म कर लें और कंफर्म कर लें कि आपके पास जो है ये डाटा इंपोर्ट हो चुका है। ये कोड मैं अगर आपको शेयर करूं तो आपके लैपटॉप पे ये वाला कोड रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये मेरे लैपटॉप का है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फाइल मेरे लैपटॉप पे पड़ी हुई है, जब आप इसको अपने लैपटॉप के मुताबिक रन करेंगे तो ये आपको एरर देगा कि फाइल लोकेशन नॉट फाउंड, आपने ये आपके लैपटॉप में ये लोकेशन होगी नहीं। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको कोड जो है वो ये रिपीट करवा देता हूँ। जमशेद साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपकी स्क्रीन पे ये परफॉर्म करवा देता हूँ। मैंने स्क्रीन अलाउ की है।
सर आपने आर, अच्छा अभी तक आपके पास SF पैकेज ही नहीं इंस्टॉल हुआ। ओके चलिए ठीक है सर, ये पहले आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा एक और मैं मेथड आपको बता देता हूँ, ये ट्राई करें आप में भी, जब आप क्लास, अभी क्लास भी चल रही है ना आपकी लाइव, तो वहाँ पे भी इंटरनेट एंगेज होगा, तो क्लास को जब क्लोज होगी तो उस वक्त आप इसको इंस्टॉल करें, या सुबह फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ये नहीं इंस्टॉल हो रहा तो फिर आपको मैं एक और मेथड बताऊंगा, आपने डायरेक्ट डाउनलोड करके वहां से भी इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। ओके आप इसको जो है वो बार बार ट्राई करें, इवन के जब आपके पास ये क्लास एंड होती है तो फिर होप के आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। जी सर, आपके पास ये एक एक तो दफ़ा ब्रश है ना इसको क्लियर, बल्कि यहाँ पे आप इसने इसको कोड करना है, लाइन नंबर 2 पे आए, यहाँ पे लिखें लेस एंड माइनस, स्टार्ट यस, रीड से पहले, लेस एंड माइनस, और इससे पीछे लिखें चाइना, इसको रन करें। ये देखिए आपके पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके अच्छा, अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही तो वो स्क्रीन शेयर कर सकता है। अच्छा मैप की तरफ चलते हैं, मैप क्रिएट करते हैं इस फाइल पे। मैप क्रिएट करने के लिए हमें पैकेज चाहिए ggplot2। आपको याद होगा स्टार्ट में कि जब हमने मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि ggplot को यूज़ करते हुए आपने ग्राफ बनाने हैं, और उनमें से जो ग्राफ आपसे बन रहा है ना वो आपने ड्रा करना है, जो नहीं बन रहा उसको इग्नोर कर देना है। उनमें से एक प्लॉट आज हम बना के देखेंगे जो उस वक्त आपसे नहीं बन रहा था, क्योंकि उसके लिए डाटा ही अवेलेबल नहीं था। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जीजी प्लॉट ठीक है प्लस जियोम अंडरस्कोर SF ठीक है, ये वाला प्लॉट उस वक्त आपसे ड्रा नहीं हुआ होगा, इसने आपको एरर दे दिया होगा, क्योंकि SF पैकेज के SF प्लॉट के लिए हमें SHP फाइल्स फॉर्म में डाटा चाहिए, ना कि एक्सेल फॉर्म में। ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो डाटा था वो एक्सेल फॉर्मेट में था और वो SF फॉर्मेट के मुताबिक भी नहीं था, इसलिए इसके ऊपर प्लॉट नहीं बना। अब क्यों, चूँकि हमारे पास जो डाटा है SHP वाला वो इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं डाटा इक्वल चाइना, और इसको रन करें। ये देखिए मेरे पास चाइना का मैप क्रिएट हो गया, इसको कॉपी करें। और ग्रुप में शेयर करते हैं।
ओके सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वो कह रहा जी, हाँ आपने ना अंडरस्कोर, ये जो है ना स्लैश, दोबारा इसको रन करें। एक्चुअली आपने टी सेलेक्ट किया हुआ ना, जस्ट क्लिक करें इसमें, अब रन करें। वो कह रहा है कैन नॉट ओपन सी, इट डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट। आपकी लोकेशन जो है ना, ये गलत है। आप इसको डिलीट करें, लोकेशन, ये सारी लोकेशन डिलीट करें। अगेन अपनी फाइल ओपन करें जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ आपके पास। मैप चाइना, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया आपने। हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे फाइल देखें, SHP कहाँ पे, ये वाली SH, हाँ ठीक है, SHP पे वाले क्लिक करें। फिर भी यही एड्रेस आता है, ये पहली वाली 0, हाँ ये वाली। अब इसको कॉपी करें, एड्रेस को कॉपी करें। यहाँ पर स्लैश लगाएं एक और, रीनेम करें इसको। ये यहाँ पे रीनेम के बाद ना, ये एडमिन के बाद स्लैश लगाएं, डबल स्लैश। अब रन करें इसको, अब फाइल इंपोर्ट होगी। अब इसको जो है वो रीनेम कर लें या कोड बना लें, इसको कोडिंग कर लें, लेस देन माइनस, लेस देन माइनस, और स्टार्ट में लिखने चाहिए ना। ठीक है, अब नीचे टाइप करें जी जी प्लॉट, लाइब्रेरी कर लें पहले जी जी प्लॉट टू को। पहले लाइब्रेरी कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करें जी जी प्लॉट, इसको सिलेक्ट करें। नहीं यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं, इसको क्लोज कर दें। हाँ प्लस, इसके बाहर लिखें प्लस। नहीं सर, ब्रैकेट नहीं क्लोज खत्म करने ना दोबारा। हाँ ठीक है, ये गलत हो गया फिर पहले। हाँ अब ठीक है, ब्रैकेट के बाहर बाहर लिखें, बाहर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिखें। हाँ प्लस जी ओम अंडरस्कोर SF, यहाँ पे लिखें डाटा, और चाइना। ओके रन करें अब इसको। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसका जो है ना वो कलर चेंज करें, तो चाइना के बाद कॉमा लगाएं, यहाँ पर लिखें कलर COLOR लिखें, यस इक्वल इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, ब्लू लिख लें, ठीक है। अब रन करें इसको। इसका कलर ब्लू हो गया। अब अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक और कॉमा लगाएं,
यहाँ पे लिखें फिल इक्वल, फिल इक्वल येलो कर लें या कोई भी पिंक कर लें, कोई भी कलर कर लें। अब अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप प्लस ऐड करें, प्लस नहीं इसमें नहीं, बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस। जब भी आपने प्लस ऐड करना है ना, तो आपने एक न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, न्यू लेयर स्टार्ट करनी है, तो आपने क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर स्टार्ट करना है। प्लस थीम, थीम आप सेलेक्ट कर लें, क्लासिक कर लें। और इसको रन करें। ठीक है, इसका थीम चेंज हो गया। बहुत शुक्रिया सर। ओके, यहाँ तक होप के आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी बाकी स्टेप मैं नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के पास जो है ना वो पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ। आप यहाँ पे चाइना का मैप, कोई और कंट्री का मैप ड्रा करने की कोशिश करें, देखें कि क्या होता है। डिफरेंट मैप्स को अप्लाई करें जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हम जो है वो मंडे को परफॉर्म करेंगे, और मे बी आपकी जो है वो नेक्स्ट 1 और 2 क्लासेस हो, उसके बाद फिर आपका क्लोज जो है बैच क्लोज हो जाएगा। तो इस दौरान इस वीक में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने डाटा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी परफॉर्म करें, उसमें देखें क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको। वो आप ग्रुप में भी डिस्कशन करें, मेरे साथ भी डिस्कशन करें। ओके अच्छा, मैं मुझे याद आ गया, मैं आपको एक और मेथड बता दूं कि आपके पास अगर पैकेजेस इंस्टॉल ना हो रहे हो, तो आप और कोई जो है ना मेथड वो भी यूज़ कर सकते हैं। आसिम रजा साहब, आपने ना ये चाइना के बाद डाटा, चाइना के बाद आपने प्लस का साइन यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कॉमा आता है, ठीक है, फिर ये आपके पास एरर नहीं आएगा। ये कलर से पीछे आपने प्लस का साइन लगाया हुआ है ना, प्लस का साइन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप लगा सकते हैं। अच्छा, आपने ना गूगल पे आना है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है SF पैकेज आर डाउनलोड। ये देखिए, आपको जो है ना ये आर आर्काइव नेटवर्क पे ले आएगा, यानी आर्कलैन पे ले आएगा आपको। ये पैकेज है SF, कोई भी पैकेज इस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये फिर आपको मैन्युअली पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आर जो है वो डायरेक्ट वहीं से पैकेज को पिक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आपको पैकेज सोर्स दे रहे हैं SF1.0.15.tar.gz। आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है जी आप इसको सेव करना कहाँ पे करना चाह रहे हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ। ये तकरीबन 3 MB का है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे पास ये डन हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे आना है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये स्टेप देख लीजिएगा, फिर आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने पैकेजेस पे आना है। पैकेजेस पे आने के बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब जो ऑप्शन थे ना हमारे पास रेपोजिटरी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है।
और यहाँ पे पैकेज आर्काइव फाइल। अब देखिए हमारे पास जिप फाइल में होना चाहिए या ये टार डॉट जी जेड में। हमने टार डॉट जी जेड फाइल में इसको डाउनलोड किया है। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अब ये मुझे उसने लोकेशन पे ले गया जी, कहाँ पे फाइल पड़ी है ढूंढो उसको। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया है, ये वाली फाइल। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो फाइल सेलेक्ट हो गई है। अब मैं इंस्टॉल का बटन क्लिक करता हूँ। अब चेक कर लेते हैं कि इस वजह से ये इंस्टॉल होता है या नहीं। इसने मुझे कह दिया पैकेज एस एफ इज़ इन यूज़ एंड विल नॉट बी इंस्टॉल्ड। मुझे कह रहा है जी आपके पास ये यूज़ में है, आप इसको अभी इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो काइंडली आप इस वजह से इसको ट्राई कीजिएगा। होप के ये इस वजह से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी एरर दे रहा है तो आपने वो जो ये वाला प्रॉपर मेथड है ना इंस्टॉल, यहाँ पे रेपोजिटरी आर क्रेन, ये बार बार करते जाएं तो आपके पास जैसे इंटरनेट बेहतर होगा आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ क्लास का जो है वो इंटरनेट का लोड कम होगा तो ये आपके पास फौरन इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। ओके, डॉक्टर अली साहब का मैसेज है सी सी ए पे। जी सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी ना उसमें एक तो हम स्टडी एरिया मैप करेंगे और लास्ट क्लास में इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं सी सी ए की जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और इवन मैं आपको इसकी एक रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ सी सी ए पे, तो वो अगर आप देख लें तो वो आपको बहुत जो है वो फ़ायदा मंद होगी आपके लिए। मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर देता हूँ।